इसी तरह जो है हर चीज़ पर उनको सब्र होना चाहिए, सब्र करें, गुस्सा ना करें, गुस्सा नहीं होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, क्योंकि ये तो तरीका है आपके, लोगों को देंगे दावत, समझाएंगे तो झुटलाया जाएगा, आपको माना नहीं जाएगा। और ये तो नबी के ताल्लुक से भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 34 में फरमाया, वलकद कुजीबत रसूलुम मिन कबलिक फसब्र, के ए नबी आपसे पहले के नबियों को भी झुटलाया गया है, उनको भी झुटलाया गया है, तो आप उस पर क्या करें, सब्र करें। तो झुटलाया जाएगा, हक बात आएगी तब भी उसकी मुखालफत की जाएगी, लेकिन आप उस पर सब्र करें। और इसी तरह से अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से भी आता है, अल्लाह के रसूल कितना गुस्सा भी नहीं करते थे, जिस ये सीरत में आता है इब्ने हिशाम के अंदर ये वाक्य मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लम लोगों को दावत देते थे रास्ते के अंदर, मदीना ये मक्का में जाते लोगों को दावत देते, तो उनके पीछे पीछे अबू लहब अबू जहल वो भी चले जाया करते थे, अल्लाह के रसूल समझाते उसके कि लोगों कहो कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, तो पीछे से क्या करता था कि अबू जहल उन पर मिट्टी डाल देता था उनके सिर पर, लेकिन अल्लाह के रसूल कुछ भी नहीं कहते, मिट्टी साफ़ की और फिर आगे चले जाते, फिर दूसरों को जाकर दावत देने लग जाते, तो क्या करते थे उस पर ध्यान ही नहीं देते थे, तो सब्र किया करते थे। तो सब्र, अब ये यहाँ पर सब्र करना है कि मैंने बता दिया मान नहीं रहा है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इस पर सब्र करें। नहीं तो क्या होता है, कई बातिल लोग ऐसे भी होते हैं, तो हमारे लोग क्या है कि उनका खिलौना बन जाते हैं, उनके खिलौने बन जाते हैं, वो हमेशा दावत का काम करते थे तो लोग क्या है कि फिर उसका हंसी टिटिले करने लग जाते, बोले ये आ गया, बोले काम करो इसको छेड़ो, अब वो उसके काम से जा रहा, दावत के काम से ही निकला हो, लेकिन वो क्या करते उसको छेड़ देते हैं, हजरत ये मसला बताओ, वो कुछ बोलता है उसके बाद में फिर उससे उज्जतबाजी करने लग जाते हैं, एक घंटा उसका ख़राब कर देते हैं, तो उसके बाद में कुछ नहीं वो चला जाता, तो रोज़ का उनका मामूल ही हो जाता है। तो ऐसे लोगों का क्या काम है कि ऐसे लोगों से कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि जो ऐसे लोग हैं तो क्या करें, कालू सलामा सलाम करो, आगे बढ़ो, इनसे बात ही मत करो, नहीं तो ये फिर हमारे लोग ऐसे ही होते हैं तो लोग उनको क्या करते हैं कि चिढ़ाने का मौजू बना लेते हैं कि अरे अभी चिढ़ेगा इसको, तो उसके सामने वो फिर बोल रहे हैं या फलां वो निकल रहा है तो उसके सामने या फलां उसके सामने वो बोल रहे हैं, तब ये जाके भिड़ता है कि ऐसा नहीं ऐसा ऐसा नहीं ऐसा, तो वो तो उनका टाइम पास कर रहे हैं, आप आपका क्यों कीमती टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे लोग आने ही नहीं, हो सकता फिर अल्लाह हिदायत देने वाला है, तो इसको छोड़ देना चाहिए।